हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वरसन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जी हाँ, एक हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो कराया था फेमस फुटबॉलर्स के बारे में, कराया था कौन कंट्री से कौन बिलोंग करता है। और उसमें मैंने कहा था इसी महीना का आखिर में, यानी कि अक्टूबर 31 को ये बैलन डी'ओर अवार्ड, जो कि फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है इंडिविजुअली, ये अनाउंस कर दिया गया है। आइए हम लोग आज बैलन डी'ओर अवार्ड के बारे में जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे, पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा। बट हाँ, स्किप करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे, तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और ये वीडियो जब मैंने रिसर्च कर रहा था, मुझे बहुत मजा आया और ये मजा मैं आप सबको देना चाहता हूँ। आइए, ये जो बैलन डी'ओर अवार्ड इस बार घोषणा किया गया है 2023 31 अक्टूबर को ही किया गया, पेरिस में फंक्शन हुआ था। ये 67th है, ओके 67th बैलन डी'ओर अवार्ड है। और ये इसमें जो टाइम पीरियड है अगस्त 2022 से लेके जुलाई 2023 तक पूरा सीजन होता है, तो इसी में ही ये डिसाइड किया गया कौन कैसा क्या अवार्ड मिलेगा। अच्छा, ये कौन देता है, प्रेजेंटेड कौन करता है, कौन देता है, ये एक न्यूज मैगजीन है, फ्रांस फुटबॉल नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहूंगा उसको अच्छे से सुनिएगा। फ्रांस फुटबॉल एक न्यूज मैगजीन है, वही लोग ये अवार्ड देते हैं बैलन डी'ओर अवार्ड, ओके। अब पहली बार कब दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, पहला सब चीज इंपॉर्टेंट होता है, मैंने हमेशा कहा 1956। और किसको मिला था, स्टेनली मैथ्यूज, ठीक है, इंग्लैंड के प्लेयर थे स्टेनली मैथ्यूज। गौर से सुनिएगा, खाली स्क्रीनशॉट ले लेंगे नहीं चलेगा, डिटेल में समझना होगा, ओके। अच्छा, ये जब चालू हुआ था 1956 से लेकर 1994 तक, ये क्या था पता है, सिर्फ यूरोपियन प्लेयर लोग को ही अवार्ड मिल सकता था, मैंने ऐसा उन लोग का क्राइटेरिया था, सिर्फ यूरोपियन, ओके। उसके बाद क्या होता है, 95 में इसको चेंज किया जाता है, तो उसमें बोला जाता है जो बाहर का भी प्लेयर, मानी यूरोप का आउटसाइड का भी जो प्लेयर है, जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, कहीं का भी उन लोग को भी मिल सकता है। बट हाँ, शर्त यह है उन लोग को कोई भी यूरोपियन क्लब में खेलना होगा, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, कोई भी क्लब में खेलना होगा। तो 95 से 2006 तक ये वाला सिलसिला चला, ओके। उसके बाद क्या होता है, 2007 से इसको ओपन टू ऑल कर दिया जाता है, माने कहीं का भी प्लेयर हो, कोई भी टीम में खेले, कोई भी क्लब में खेले, नो मैटर, ओके। तो तीन क्राइटेरिया, 56 से 1994 तक सिर्फ यूरोपियन प्लेयर, 95 से 2006 यूरोप का बाहर का भी चलेगा बट हाँ यूरोपियन क्लब में खेलना होगा, और 2007 से कोई भी, ओके। तो उसी हिसाब से पहले नॉन यूरोपियन और अफ्रीकन प्लेयर कौन बनते हैं, 1995 में उनको मिलता है, ठीक है, 1995 में ही ये अवार्ड मिलता है बैलन डी'ओर। उनका नाम था जॉर्ज वे, जो कि लाइबेरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, 1995 में उनको ये अवार्ड नवाजा जाता है, जो कि पहले नॉन यूरोपियन और पहले अफ्रीकन भी बनते हैं। और ये जो जॉर्ज वे है ना, ये मौजूदा माने इनकमबेंट वहां के प्रेसिडेंट भी हैं, कहां के, लाइबेरिया के। अच्छा, लाइबेरिया का कैपिटल अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। अच्छा, फर्स्ट साउथ अमेरिकन प्लेयर कौन बनते हैं, रोनाल्डो, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, ये बड़ा वाला रोनाल्डो जो कि ब्राजील का प्लेयर थे, जिन लोग को पुराना प्लेयर है, मैंने पुराना यहाँ सब्सक्राइबर्स उन लोग को पता होगा, 1997 में पहली बार उनको मिलता है, वो फर्स्ट साउथ अमेरिकन प्लेयर बनते हैं। और उसके बाद 2002 में भी एक बार उनको मिलता है, यानी कि दो बार मिलता है। अच्छा, ओनली गोलकीपर, ये बहुत ही गूगली टाइप का सवाल है, ज्यादातर स्ट्राइकर लोग को मिलता है, जो लोग गोल वगैरह करता है, मिडफील्डर को मिलता है, ये पूरा बैलन डी'ओर के इतिहास में ओनली गोलकीपर, बहुत महान गोलकीपर, उनका नाम लेव यासिन, सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के प्लेयर थे, गोलकीपर थे, उनको 1963 में बैलन डी'ओर से नवाजा जाता है। ये बहुत ही अलग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एकमात्र गोलकीपर लेव यासिन को मिलता है। अच्छा, पहला बार हैट्रिक, यानी कि कंटिन्यू तीन बार कौन जीतते हैं, अभी तो हम लोग मेसी के इसमें आएंगे, ऑप्शन में मेसी भी रहेगा, मगर आप लोग गलत नहीं करिएगा। उनका नाम था मिशेल प्लाटिनी, बहुत बढ़िया प्लेयर थे, फ्रांस के प्लेयर थे, मिशेल प्लाटिनी फ्रांस के प्लेयर थे, उनको 1983, 1984 और 1985 तीन बार कंटिन्यू वो बैलन डी'ओर अवार्ड का सम्मान से सम्मानित होते हैं, ओके। अच्छा, मोस्ट नॉमिनेशंस, अभी तो आपको स्टेटस में दिखता होगा या न्यूज़पेपर में दिखता होगा या बहुत सारा चैनल में भी दिखता होगा, जो सबसे ज्यादा कौन जीता, मेसी जीता 8 बार, सबको याद हो गया होगा। बट सबसे ज्यादा नॉमिनेशन किसको मिला अभी तक पता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि CR7 जो ऐसा करके सुई करता ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 18 बार उनको माने नॉमिनेशन उनका हुआ है, और उनको 5 बार वो चैंपियन बने बैलन डी'ओर के,
2008 में पहली बार, 13 में, 14 में, 16 और 17 पांच बार उनको मिला है। ओके अच्छा, आप सबसे फ्रॉम मोस्ट विनर, सबसे ज्यादा मर्तबा कौन बैलेंडियर अवार्ड जीता है, सबको पता चल गया होगा, LM10 यानी कि लायनल मेसी, उनका जर्सी का नंबर है 10, रोनाल्डो का कितना था 7, इंटरव्यू में कभी भी पूछा जा सकता है, इनको 8 बार मिलता है। सबसे पहली बार 2009 में, 2010 में, 2011, 2012, यानी कि 4 साल कंटिन्यू जीतने का रिकॉर्ड है इनका, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 2015 में, फिर 19 में, फिर 21 में, फिर 23 में, 23 यानी कि इसी बार मिला है। और इस बार जो मिला है ये कौन क्लब से खेलते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था, अमेरिका का एक क्लब है इंटर मियामी, और ये इंटर मियामी क्लब का जो को ओनर है डेविड बेकहम, इंग्लैंड के बहुत बड़े प्लेयर थे, आपको मालूम है, बहुत बढ़िया फ्री किक मारते थे, और उनका एक उनका नाम से एक मूवी भी आया था, बैंडिट लाइक बेकहम, अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। तो ये क्या हुआ, इंटर मियामी पहला, मैंने पहला अमेरिकन लीग का क्लब बना जिसका किसी भी प्लेयर को ये अवार्ड मिला है। एक्चुअली साइन तो अभी किया, पहले तो दूसरा क्लब में था। अच्छा, और एक चीज इंपॉर्टेंट, 2010 से लेकर 2015 तक ये जो बैलेंडर अवार्ड था, इसको फीफा का एक अवार्ड दिया जाता है, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, उसका साथ मर्ज कर दिया गया था, फिर 2016 को उसको निकाल दिया गया। समझ में आया, अच्छा से समझ रहे ना। अच्छा, अब 2023 का बैलेंडर अवार्ड तो मिला है, उसी का साथ साथ और भी कुछ अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अभी मैंने कहा स्टेटस में आपको मेसी का नाम बहुत दिखेगा, मगर और जो कुछ कुछ अवार्ड है उसको भी देख लीजिए। बैलेंडी और फेमिनिन, नाम से समझ में आ गया, महिला समाज के लिए, ये किसको मिला इस बार, आयताना बोनमाटी, आयताना बोनमाटी जो कि स्पेन की प्लेयर है और बार्सिलोना से खेलती है, बार्सिलोना का जो महिला क्लब है उसमें खेलती है। और ये जो फेमिनिन अवार्ड है ये 2018 से चालू हुआ है, ठीक है, और पूरा बैलेंडियर कब चालू हुआ था 1956, और महिला लोग के लिए चालू किया 2018 से, ज्यादा दिन नहीं हुआ। और पहला बार कौन जीता है, ADA अडा हेगरबर्ग, जो कि नॉर्वे की प्लेयर थी, 2018 में पहली बार उनको मिला है। और पूरा बैलेंडियर अवार्ड के इतिहास में सिर्फ एक बार नहीं दिया गया, कब पता है आपको, 2020 कोविड, आपको मालूम है, अब कोविड में तो वर्क फ्रॉम होम से तो कोई फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, तो उसको नहीं दिया गया था। अच्छा, और एक ट्रॉफी दिया जाता है, उसका नाम है कोपा ट्रॉफी, ये किस चीज के लिए दिया गया जाता है, ये मेल प्लेयर को मिलता है, अंडर 21 का जो बेस्ट प्लेयर होता है साल भर में उसको मिलता है। तो इस बार किसको मिला, ये ज्यूड बेलिंगहम जो कि इंग्लैंड के प्लेयर है और डॉर्टमंड, ठीक है, डॉर्टमंड एक बुंदेसलीगा यानी कि जर्मनी का जो प्रीमियर लीग होता है उसी का क्लब में ये खेलते हैं। और ये किसका नाम से, कोपा ट्रॉफी, एक बहुत ही फ्रांस के बड़े प्लेयर थे, उनका नाम था रेमंड कोपा, जो कि फ्रांस के प्लेयर थे, उनके नाम में ये ट्रॉफी रखा गया है। अच्छा, यासीन, अभी मैंने कहा लेव यासीन गोलकीपर थे, तो यासीन ट्रॉफी जो है ये बेस्ट गोलकीपर को मिलता है। और ये इस बार किसको मिला, एमिलियानो मार्टिनेज, और ये जो बंदा है ना 2 महीना पहले कोलकाता घूम के गया है, मोहन बागान जो क्लब है वो उसको बुलाया था, ये कभी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या WBCS में भी पूछ सकता है, एमिलियानो मार्टिनेज जो अभी घूम के गया कोलकाता से, ये कौन कंट्री से बिलोंग करता है, ये अर्जेंटीना से है, ओके, यानी कि मेसी का टीम में था जो वर्ल्ड कप जीता, और एस्टन विला क्लब से खेलता है ये। अब आता है जर्ड मुलर, ठीक है, जर्ड मुलर अच्छे गर्ड मुलर कौन थे, ये जर्मनी के प्लेयर थे, हाँ, उनके ही नाम से ये है। और मेल प्लेयर को मिलता है सबसे ज्यादा जो गोल मारता है पूरा साल भर में, ये सीजन में, ठीक है, 22-23 में, तो सबसे ज्यादा कौन मारा गोल, अर्लिंग हालैंड, 52 गोल दागता है ये पूरा साल में, ये सीजन में, ठीक है। मुझे तो लगता था यही जीतेगा, बट कोई बात नहीं, मेसी एक्चुअली वर्ल्ड कप जीता था, इसीलिए वर्ल्ड कप तो सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसको दे दिया। तो नॉर्वे का ये प्लेयर है अर्लिंग हालैंड, किसी न किसी एग्जाम में इसका नाम जरूर आएगा, लिख करके, नॉर्वे का प्लेयर है, मैनचेस्टर सिटी से खेलता है, ओके। अच्छा, और एक अवार्ड दिया जाता है सोक्रेटिस अवार्ड, ठीक है, ये जो सोक्रेटिस था ये प्लेयर था ब्राजील का, ये ना बहुत ही ठंडा दिमाग का प्लेयर था, आप लोग फुटबॉल में देखेंगे को मारपीट चलते रहते हैं, येलो कार्ड रेड कार्ड मिलता है, बहुत ही ठंडा दिमाग का था और बहुत ही अच्छा इंसान भी था, इनका नाम से ये अवार्ड चालू हुआ सोक्रेटिस अवार्ड, और ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए दिया जाता है, एक्चुअली ये भी बहुत चैरिटी वगैरह करते थे। तो इस बार मिला है विनिसियस जूनियर, ये ब्राजील के प्लेयर है और रियल मैड्रिड से खेलते हैं, और ये ब्राजील में बहुत ज्यादा अच्छा ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, ठीक है। और पिछला साल ही 2022 से ये चालू हुआ था, सर्गियो माने सेनेगल के प्लेयर, उनको ये पहला बार मिला था। समझ में आया। और जो दिया जाता है क्लब ऑफ द ईयर, एक मेंस का और एक वुमेन्स का, तो क्लब ऑफ द ईयर मेंस किसको मिला है, मैनचेस्टर सिटी को मिला है, और क्लब ऑफ द ईयर वुमेन्स मिला है FC बार्सिलोना फेमिनिन,
यानी कि बार्सिलोना का जो टीम है फीमेल का उसको मिला है। तो ये जो 2023 का पूरा मैंने बता दिया और पूरा बैलेंस जो अवार्ड का जो पूरा इतिहास है वो भी पूरा बता दिया। ओके अच्छा से इसको पूरा सुनिएगा। बट हाँ 2022 का भी मैं बता दूं आपका रिविजन के लिए ताकि एग्जाम में 22 के भी पूछा जा सकता है। तो 2022 में बैलेंस डी'ओर अवार्ड मिला था करीम बेंजिमा को। ओके ये फ्रांस के प्लेयर है, मतलब फ्रांस के प्लेयर है और रियल मैड्रिड में खेलते थे। ओके अभी तो सऊदी का कोई क्लब में खेल रहे हैं, वो मैंने बताया भी आपको करीम बेंजिमा। ओके महिला में किसको मिला था बैलेंस डी'ओर, उनको उनका नाम था अलेक्सिया पुटेलास, ये स्पेन की प्लेयर है और बार्सिलोना से खेलती है। ओके और जर्ड मुलर अवार्ड जो कि यहाँ भी बताया ना, तो 2022 का रॉबर्ट लेवांडोस्की 57 गोल करते उनको ही मिलता है। और कोपा ट्रॉफी जो है ये गावी को मिलता है 2022 का, स्पेन के प्लेयर बार्सिलोना से खेलते हैं। और ये जो ये तो लेवांडोस्की, ये पोलैंड के प्लेयर है। हाँ और एक लास्ट अवार्ड जो यासिन गोलकीपर को मिलता है, थियाबोर कोर्टियोस बेल्जियम के प्लेयर रियल मैड्रिड से खेलते हैं, इसी को पिछला साल 2022 में मिला था। एक्चुअली क्या होता था ना, पहले कैलेंडर ईयर दिया जाता था, अगर ये 23 वाला कैलेंडर ईयर को फॉलो करता था मेसी को नहीं मिलता। ओके क्यों, 2022 का नवंबर में आपको मालूम है ये हुआ था, नवंबर में हुआ था शायद वर्ल्ड कप का फाइनल, और ये जो टर्म है अगस्त 22 से लेके जुलाई 23 का, इसीलिए मेसी को मिला। ठीक है चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार बांटिए, खुशियां बांटिए और ज्ञान तो जरूर बांटिए, और वीडियो को पूरा देखा करिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, बाय।